शब्द बताए ये भी देंगे वो क्या हो एक ये एक वीडियो सर समरकुल के लिए ऑलराइट सो हेलो एवरीवन हम यहाँ पे कश्मीर में है मेरा नाम प्रतिका मेरे साथ है हमारी कंपनी के दो पिलर्स अब पहले आप पूछेंगे कंपनी कौन सी कंपनी है समरकूल थर्मोकूल और यहाँ पे संजीव जी यहाँ पे राजीव जी और गुप्ता परिवार के तमाम सदस्य और या फिर यूं कहें कि समरकूल थर्मोकूल परिवार के तमाम सदस्य और हम यहाँ पर एक परिवार की तरह एक फैमिली आउटिंग की तरह इंजॉय कर रहे हैं हम एकदम टॉप पर आ चुके हैं जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं हैं और हम कितना इंजॉय करेंगे मैं नहीं बताऊंगी ये लोग बताएंगे वंस अगेन विद द काउंट डाउन 1 2 3 कैन वी मेक सम नॉइज थोड़ी सी एक सेकेंड बताइए बस एक चीज बोलेंगे संजीव जी पूरे परिवार के लिए क्या कहेंगे पूरे परिवार के लिए धन्यवाद ये बहुत खुशी का मौका है और मैं ये चाहता हूँ सब खूब एंजॉय करें और जैसे यहाँ ठंड पड़ रही है समर कूल के कूलर चलाएं और इतनी ठंड का मजा आप यूपी बिहार सब जगह लें और यहाँ एक चीज़ बहुत फेमस है जो मुझे यहाँ के विधायक जी के भाई उन्होंने बताई एक तो केसर और एक शिलाजीत इनका कहना ये है कि एक कूलर का नाम गुलमर्ग रखो तो मैंने कि वो तो हमने इस साल रख दिया लॉन्च कर दिया और एक का नाम केसर विद शिलाजीत रख दो कह रहे उसकी इतनी ठंडी हवा आएगी और उसको खाने के हवा लेने के बाद जिसकी नई शादी होगी एक साल के अंदर उसके बच्चे फटाफट और देखिए जैसे कि संजीव गुप्ता जी ने यहाँ पर बताया कि हम कश्मीर की वादियों में हैं यहाँ पे इतनी ठंडी हवा तो ये ठंडी हवा दूसरी जगह सिर्फ आपको समरकूल थर्मोकूल के कूलर्स में मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती है तो जिसको कश्मीर की हवा का एक लुफ्त उठाना है मेक श्योर आप समरकूल थर्मोकूल के एयर कूलर्स जरूर लें क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं समरकूल थर्मोकूल हर साल बहुत सारे एक्साइटिंग ट्रिप्स लेकर आते हैं ये तो बस शुरुआत है कोविड की वजह से हम इंडिया में घूम रहे हैं लेकिन हमारे नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप्स बहुत जल्द होने वाले हैं संजीव गुप्ता जी ने यहाँ पे हमें लंदन का तो प्रॉमिस ऑलरेडी कर दिया है और राजीव गुप्ता जी ने कहा है हम सीधा यूएसए जाएंगे तो देखते हैं हम नेक्स्ट कहाँ जाते हैं लेकिन उससे पहले ये मुझे बाद में पेमेंट कट करने वाले कि ये अनाउंसमेंट हमने कब किया था लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो हमारे कश्मीर के ट्रिप को पूरा ऑर्गेनाइज किया गीता जी हमारे साथ हैं बहुत कूल हैं बहुत चिल्ड आउट हैं मस्ती में रहती हैं हमारे साथ एंजॉय करती हैं तो इनसे पूछते हैं कि समरकूल थर्मोकूल के साथ कैसा लग रहा है आपको हेलो जी मैम जी बहुत खुशी है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा ग्रुप है बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं इस ग्रुप के साथ मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं ये टूर लेके आई हूँ मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपनी फैमिली लेके आई हूँ रियली इट्स अ वेरी नाइस ट्रिप वेरी नाइस और वेरी मेमोरेबल बस ये मेरा गला बहुत दुखाते हैं बहुत चिल्लाते हैं मुझे आधा घंटे आपकी वजह से लेट हुआ 9:30 तो सब लोग तैयार थे तो देखिए ये संजीव जी बोल रहे हैं 30 निकल जाएंगे इन्होंने अपने मार्क्स बढ़ाने लेकिन हमारे सर बहुत अच्छे हैं इनको पता था रात का प्रोग्राम बहुत एंजॉय होने वाला है सुबह कोई टाइम पर नहीं उठने वाला प्रोग्राम थोड़ा लेट चलेगा लेकिन शाम के प्रोग्राम में शक्ति कपूर यहाँ पर आने वाले हैं और प्रेम चोपड़ा तो यहाँ पर है ऑलरेडी काफी सारे विलन यहाँ पर हैं प्राण प्रेम चोपड़ा आपको इन सब में नजर आ जाएंगे उनसे हम आपको धीरे धीरे मिलवाएंगे लेकिन अभी हम शक्ति कपूर जी का इंतजार कर रहे हैं सबसे पहले तो इसके बीरा सर बुलाओ आप बोलो सबसे पहले तो सब नेक्स्ट ट्रिप में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और कहीं जाने का हम लोग इसी तरह परिवार की तरह रहते हैं और परिवार की तरह ही सारा काम करते हैं धन्यवाद और मैडम के बारे में राय और देते हैं चलो सब मैडम बहुत अच्छी हैं मैडम ने सबका मन लगा के रखा है और बहुत कोऑपरेटिव है सबका बहुत ध्यान रख रही है मैडम और हमेशा ध्यान रखें मेरी चाय भी नहीं आई अब तक देखो इन सब ने मुझे एक और वादा किया था कि जाने के बाद हम ऊपर एकदम वादियों में बैठकर मैगी और चाय करने वाले हैं ब्रेकफास्ट से लेकर मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है और मेरी चाय और मैगी रह गई है मैं इस बात से नाराज हूँ लेकिन आगे वहां से चाय ये देखिए समरकूल थर्मोकूल कितनी जल्दी काम करता है अभी एक और चीज रुकिए कौन रह गया यहाँ पर राजीव जी आपने तो कुछ बोला ही नहीं इधर आइए आपके सर आइए इनकी फरमाइश आई है इनकी डिमांड आई है कि ये बहुत बढ़िया बोलते हैं तो सर इधर आइए थोड़ा सा आगे
समकुल थर्माकुल का जो ग्रुप है, हमारा मन नहीं, हमें लग रहा था कि 3 दिन कैसे निकलेंगे, बट पता ही नहीं चला 3 दिन निकल गए और ऐसा लग रहा है 3 दिन क्यों निकल रहे हैं। आखिरी एक दिन हमारे पास बाकी है जिसमें हमने ये वादा किया कि कोई भी सोने नहीं वाला है, पूरी रात मस्ती होगी और कल दोपहर को हम मार्केट के बाद वापस दिल्ली जाने वाले हैं, अपनी अपनी जगह जाने वाले हैं। तो आपके 2 दिन कैसे थे आप बताएं? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से आया हूँ, बीरेन चौबे। मैं समरकुल परिवार का जो 30 साल वाला सेलिब्रेशन मना रहे हैं, बहुत ही शानदार, पूरा परिवार की तरह सारे लोग हैं, संजीव जी और राजीव जी का पूरा सपोर्ट है, एंड कश्मीर की जो वादियाँ हैं उसमें सभी को बहुत मज़ा आ रहा है। सर ये सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये है समरकुल का हीटर और सीजन का हीटर है, उसकी बात करिए आप। हाँ, ये हीटर है तो आप अंदाज ला सकते हो प्रोडक्ट कैसा होगा आपका, ठीक है ना सर। अब रह गई बात, पहले इनके बारे में कुछ बोलो, आपके बारे में हीटर बता दिया, अब क्या है? 440 वोल्ट का है और 4 रोड है इनमें, आपको 2 रोड से ज्यादा हीटर नहीं मिला होगा अब तक, 4 रोड वाली हीटर है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और सो नाइस ऑफ यू। अच्छा एक बात, में अब सब आप कर रहे हैं लेकिन मैं समरकुल के पूरे जितने भी विक्रेता या वितरक यहाँ आए हुए हैं, इनकी तरफ से मैं आपकी हॉस्पिटलिटी का, आपके सहयोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया है कि हम आपके मुरीद हो गए। और मैं चाहता हूँ कि अगली मीटिंग पोस्ट, जैसे प्री वेडिंग शूट होता है, पोस्ट वेडिंग शूट रखा जाए, हमारे जैसे आदमी अपनी पत्नियों को लाएं और पोस्ट वेडिंग शूट यहाँ रखें, जैसे जैसे ये जो प्री वेडिंग शूट चल रहा है और गुप्ता जी लगातार वहाँ देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप पोस्ट कोविड शूट रखें। दूसरा, जहाँ तक प्रोडक्ट का सवाल है और ये सब है, हम आपको पूरे सहयोग का और पूरी तन्मयता के साथ हम आपको सहयोग देंगे, आपका सहयोग हमेशा से बना हुआ है, हम सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, आप देखते जाइए। मैं विश्व बोल रहा हूँ, हमारे बाबूजी कोटा से है, इनका इनका कहना ये है कि देखो ये जो शूट हो रहा है कि जब ये दोनों आए थे तो कभी वो उसका पैर उठा रहा था, कभी वो उठा रहा था, फिर थोड़े थोड़े कपड़े कम होने लगे, वो क्या मेडिसिन खिलाई थी, हमें भी उन्होंने कुछ पिला दिया था, क्या पिलाया था उन्होंने, की बात मेरे मुंह से बुलवाना चाहता लगा, ठीक है। फिर बाबूजी, हाँ, फिर आपका सुझाव ये था कि ये पोस्ट पेड और प्रीपेड वाला कुछ बता रहे थे कि इनकी अभी शादी नहीं हुई है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और जब वो जो लोग कर रहे ऊपर, और जब शादी हो जाएगी आप कह रहे आटा नमक कम, इन्हें वो हो जाएगा मालूम रेट का, तो बीबी कहेगी घुमाने ले चलो और वो दूर भगेगा, ठीक। और इनका सुझाव ये था अगली साल एक ऐसी स्कीम निकाली जाए कि सब लोग आए और जैसे ये लोग कर रहे पोस्ट पेड की तरह, और अपनी अपनी बीबी को सब लेके आए और सब ऐसे ही फोटोग्राफी कराएंगे, जिसके कपड़े सबसे कम होंगे उसको हम चूज करेंगे और उसको विनर चूज करेंगे। वो कौन करेगा? वो तो मैं करूँगा, कौन करेगा? सर मैं तो अभी खोल के जा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर का कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट ईयर सबको अपनी अपनी वाइफ के साथ आना है और अपनी वाइफ के साथ एक शूट करना है जिसका सबसे रोमांटिक और सिजलिंग शूट होगा, उसको गिफ्ट मिलेगा लंदन का ट्रिप पक्का। सिर्फ 2 लोगों को, डन। जिसके बाकी कपड़े भी वो बता रहे थे, तो ये अपनी वाइफ को शॉपिंग आप मेरी अभी से ले सकते हो, वाइफ वाइफ को शॉपिंग ये कराने जाएंगे उससे पहले। समरकूल का हमारा एक कहावत है, देश में बना देश का कूलर, और ये देश में बना देश का कूलर, तो हम ये मानते हैं कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। धारा 370 हटने के बाद आज संजीव जी ने कश्मीर का ट्रिप बनाया कि ये सबको पता लग जाए कि ये देश का अंग है और देश का अंग जीवन भर रहेगा, ये मोदी जी ने किया है और ऐसा ही होगा। और जिस प्रकार से ये ठंडी हवाएं, ये बादल आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा कूलर ठंडा करता है जी। और ये खाली ये टूर ही नहीं है, कल हम देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए लाल किले पे 99 पॉइंट लाल चौक पर झंडा फहराने भी जाएंगे। चलेंगे आप भी? एक बार सर के लिए ताली, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स हमारे साथ है। पूरी पूरी ओके डन। और अब हम सब लोग थोड़ी सी चाय पी लेते हैं ताकि चाय और मैगी भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें।